सबसे पहले तो दोस्तों मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको कोई दिक्कत परेशानी तो आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हमारे पास यामाहा RZR है। तो दोस्तों मैं इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये 125cc FI इंजन के साथ अवेलेबल हुई है दोस्तों, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम के साथ। अगर इसके फ्रंट टायर की बात करी जाए तो दोस्तों 99/12 का दोस्तों इसका टायर है जो कि ट्यूबलेस है। फ्रंट फोर्क की बात करें टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क हैं दोस्तों इसमें। और मडगार्ड दोस्तों इसका लोहे का है, इसमें ट्यूबलेस टायर नज़र आते हैं दोस्तों। और कॉम्बी ब्रेक के साथ आपको अवेलेबल होती है ये, और इसमें डिस्क भी आपको मिलती है दोस्तों। ये कुछ इस तरह मीटर है इसका, इस तरह दोस्तों आपको कुछ देखने को मिलती है दोस्तों ये। और दोस्तों ज़्यादातर इसमें प्लास्टिक फाइबर बॉडी यूज़ करी जाती है दोस्तों। और एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वॉल्व इंजन है दोस्तों, 125cc का आपका इंजन है। क्लच की बात करी जाए तो वी बेल्ट ऑटोमेटिक इसमें सिस्टम दिया हुआ ट्रांसमिशन। और दोस्तों ये देख सकते हैं आप, इसे गियर ऑयल डालने का सिस्टम मिलता है। सॉकर का थोड़ा अलग से कुंडा दिया गया है जो कि पहले नहीं दिया गया था। और पहले नीचे ब्रेक में स्प्रिंग नहीं दी जाती थी, हल्की वाली स्प्रिंग दी जाती है। अब इस बार इन्होंने हार्ड स्प्रिंग करी है। और पिछले टायर की बात करें तो दोस्तों 110/90/10 का ट्यूबलेस टायर आपको अवेलेबल होता है दोस्तों, साइड से कुछ इस तरह। ब्रेक टाइप की बात करी जाए तो रियर ब्रेक टाइप की ड्रम ब्रेक आपको अवेलेबल होती है। और लाइट की बात करी जाए तो LED लाइट आपको इसमें देखने को मिलती है। स्टार्टिंग में आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों आपको अवेलेबल होती है। बैटरी आपको मेंटेनेंस फ्री मिलती है। और इग्निशन सिस्टम की बात करी जाए तो TCI सिस्टम आपको मिलता है, ट्रांजिस्टर कंट्रोल्ड इग्निशन आपको इसमें अवेलेबल होता है। और दोस्तों ये रेड वाली कुछ इस तरह। और फ्यूल टैंक की बात करी जाए तो दोस्तों इसका जो फ्यूल टैंक है 5.2 लीटर का इसका फ्यूल टैंक आपको देखने को मिलता है। और हाइट की बात करी जाए तो 1190 mm की इसकी हाइट पड़ती है। लेंथ की बात करी जाए तो 1880 mm की इसकी लेंथ की बात होती है। सीट की दोस्तों हाइट की बात करी जाए तो 785 mm की इसकी सीट है। और ये दोस्तों थोड़ा सा इसमें दिखाते हुए। और वेट की बात करी जाए तो दोस्तों 99 kg इसका वेट है। और अंडर सीट, और ये देखिए दोस्तों ये कुछ इसमें थोड़ा हटके, अंडर सीट स्टोरेज की बात करी जाए 21 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज है। और इंडिकेटर दोस्तों इसे यामा वाले ही दिए हुए हैं, जो आपका FZ वगैरह में आपका यूज़ किया गया था वही आपको इंडिकेटर इसमें डाले गए हैं दोस्तों। देखने में थोड़ा इसमें अलग फिनिशिंग नज़र आती है ओल्ड वाली से, लेकिन दोस्तों इसमें जो बॉडी यूज़ की है वो ज़्यादातर फाइबर की ही है। और प्लास्टिक बॉडी ही यामा की मार खाती है हर समय, वरना हर तरफ से बाइक ओके है, लेकिन प्लास्टिक बॉडी जो फाइबर बॉडी होती है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जो इसने यामा ले रखी होगी वो अच्छे से इस चीज़ को जान सकता है। आपको कुछ इस तरह देखने को मिलती हैं तीनों। इनमें कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ कलरों का अंतर है और बाकी सेम है। वो जो सबसे तीसरे नंबर पे है वो अलग जो दिखाई थी मैंने अभी, उसमें थोड़ा सा आपको हटके कुछ लुकिंग देखने को मिलती है ये वाली जो साइड में देख रहे हैं आप। और रेट की बात करी जाए तो दोस्तों इसका रेट जो है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक मिनट दोस्तों। आपको ये जो है जो RZR है आपको 75-80,000 की आपको अवेलेबल हो जाएगी बड़ी आसानी से। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक ही, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।